डेयरी फार्मिंग एक लुक्रेटिव बिजनेस है, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आज हम डेयरी फार्मिंग के बेसिक बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, योगर्ट और बटर की प्रोडक्शन करते हैं। इस बिजनेस का मेन फोकस है हेल्दी और क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करना। सबसे पहले डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए आपको एक अच्छी जगह चुननी होगी जहाँ पर आपके पास काफ़ी स्पेस हो। आपको डेयरी कैटल की एक अच्छी ब्रीड चुननी होगी जैसे होल्स्टाइन, जर्सी या गंजी, जो हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कैटल की हेल्थ और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट और प्रॉपर वेटरनरी केयर की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं मिल्किंग प्रोसेस की। आपको मिल्किंग टेक्निक समझना होगा जैसे ट्रेडिशनल हैंड मिल्किंग या मॉडर्न मिल्किंग पार्लर्स का इस्तेमाल। मिल्किंग के बाद मिल्क क्वालिटी टेस्टिंग और स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी ही आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड को अफेक्ट करेगी। मिल्किंग का प्रोसेस भी समझना होगा। आप ट्रेडिशनल हैंड मिल्किंग या मॉडर्न मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क को कलेक्ट करने के बाद इसकी क्वालिटी चेक करना और सही तरीके से स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट्स, ग्रॉसरी स्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। इससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। डेयरी फार्मिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप सही प्लानिंग और मेहनत करें तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में गायें और भैंसें पाली जाती हैं जिससे मिल्क कलेक्ट किया जा सके। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए जानते हैं। एनिमल सिलेक्शन। अच्छे मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ब्रीड्स को चुनना चाहिए जैसा कि होल्स्टाइन, जर्सी या गांजी। इन ब्रीड से ज़्यादा मिल्क मिलता है और इनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। फीडिंग। मिल्क देने वाले एनिमल्स को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर और कॉन्सेंट्रेट फीड देना चाहिए। इससे उनकी हेल्थ और मिल्क की क्वालिटी दोनों सुधरती है। हाउसिंग। एनिमल्स के लिए अच्छे और साफ सुथरे हाउसिंग सिस्टम्स बनना चाहिए। इससे उनकी हेल्थ बनी रहती है और स्ट्रेस कम होता है। प्रॉपर वेंटिलेशन और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ मैनेजमेंट। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और वैक्सीनेशन करना चाहिए। इससे डिसीजेस से बचने में मदद मिलती है और मिल्क की प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं होती। मिल्किंग प्रोसेस। मिल्क निकालने का जो भी स्टेज है उसमें हाइजीनिक और क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए। हैंड मिल्किंग या मशीन मिल्किंग दोनों ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। मिल्किंग स्टोरेज। मिल्क को तुरंत चिल करना चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज टैंक पे रखना चाहिए ताकि जो मिल्क की क्वालिटी है वो बनी रहे। चलिए अब जानेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। एक अच्छी मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गाय एक दिन में 25 to 30 लीटर्स मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो दूध का प्रोडक्शन करता है, जहाँ दूध की एनुअल प्रोडक्शन 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। थैंक यू, बाय बाय।